महानगर पालिके इलेक्शन अभी थोड़े इसमें डिक्लेयर होने वाला है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पैदा हुए, बहुत सारे अपने अपने वार्ड में नए नए काम लेके उभरने आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, गुलबर्गे की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मर्तबा जो कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन मुनक़िद होने जा रहे हैं उसमें अच्छे और बासलायत जो महले का और मिल्लत का दर्द रखते हैं उन्हीं लोगों को आप इस इलेक्शन में इंतखाब करवाएं, उनको जिताएं। साबिक में हमने देखा कि कई एक अहम लोगों को आपने जिताया। हम मानते हैं कि कमर इस्लाम साहब और हम थे, हम ये चाहते थे कि बीजेपी को किसी भी तरीके से कॉरपोरेशन में इख्तदार में आने से रोके, लेकिन हमारी ये सोच का कमर इस्लाम साहब की ये सोच का गलत फ़ायदा उठाते हुए जो कॉरपोरेटर चंद जो कॉरपोरेटर जो जीत कर आए उन्होंने कॉरपोरेशन को अपनी दुकान बनाया और उसको अपना बिजनेस के तौर पर उसको बनाया, और चंद कॉरपोरेटर ने आपने देखा कि बाज़ाब्ता गुत्तेदारी यहाँ पर उन्होंने शुरू की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कई वार्डों में कई एक बल्दी मसाइल थे उस पर उन्होंने लोगों ने ध्यान नहीं दिया और लोगों ने आखिर माना कि हमसे गलती हुई, हमने गलत उम्मीदवारों को चुना। तो अब तो सियासत करवट ले चुकी है, नौजवान और नई नस्ल अब इसमें शामिल हो चुकी है। मैं नौजवानों से मैं कहूँगा कि अच्छे और नए चेहरों को मौका दें, और साबिक में जो भी कॉरपोरेटर जो चंद कॉरपोरेटर, मैं पूरे कॉरपोरेटरों के बारे में तो नहीं कहूँगा, जो चंद कॉरपोरेटर जो गुत्तेदारी कर रहे हैं, कॉरपोरेशन को अपनी दुकान बनाए बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को आप इस इलेक्शन में अच्छा सबक सिखाइए। और रही दूसरी बात, जो अहम मसले हैं जो वार्डों में जो आए दिन आवाम शिकायत लेकर जाती है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कौन बासलायत है, कौन जो है ना आपका काम कर सकता है, कौन अच्छा उम्मीदवार आपके दरमियान है, उन्हीं लोगों को आप इस इलेक्शन में इंतखाब कराइए। पार्टियों के नाम पे, लीडरों के नाम पर आप अगर जाएंगे तो यकीनन उस हलके की तरक्की रुक जाएगी, पीछे चले जाएगी, और मेयर इलेक्शन में जो गड़बड़ियां होती हैं आप देख रहे हैं कि क्या क्या मामले मेयर इलेक्शन में सामने आए। ये तमाम चीज़ों को रखते हुए इस कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद बहुत शॉर्ट में यानी साल डेढ़ साल में एमएलए इलेक्शन भी आने वाला है, तो एमएलए इलेक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा इस कॉरपोरेशन इलेक्शन का, इस इंतखाबात का असर होगा। तो एक अच्छी सियासत हम चाहते हैं गुलबर्गे में उभर करके आए। एमएलए इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट एमएलए के भी ऑलरेडी थोड़े डिक्लेयर हैं, थोड़े एस्पिरेंट्स हैं, तो उन लोगों को जो ऑलरेडी जो ग्राउंड पे उतर के काम चालू करें अभी से, तो उसके बारे में पार्टी बदल के रहते या कुछ भी उसके बारे में आप क्या है? नहीं, देखिए एमएलए इलेक्शन में जो भी राइट्स है हर एक को इख्तियार है कि वो कॉन्टेस्ट कर सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन यहाँ की आवाम, गुलबर्गी की आवाम बहुत ही बाशऊर है और बासलायत है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि बहुत ही देर तक कीन ऑब्जर्वेशन गुलबर्गी की आवाम, ख़ासकर नॉर्थ की हम जब बात करते हैं, तो बहुत ही सोच समझकर आखिर दो दिन में गुलबर्गी की आवाम ने, यानी जुमा का दिन था, 4 बजे उन्होंने फ़ैसला लिया और देखा कि कौन जो है कॉरपोरेशन यानि कौन जो है ना बीजेपी को डिफीट दे सकता है, उसके मद्देनज़र उन्होंने फ़ैसला लिया। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिन जिन को भी मौका दिया है
वो तो खरे खरे नहीं उतरे। अब एक नए उम्मीदवार को, एक अच्छे कैंडिडेट को अगर आप चुन कर भेजते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तब्दीलियाँ इस गुलबर्गे में आएंगी और उसके बाद डिलिमिटेशन होने वाला है। तो ऐसे अच्छे आदमी को, तजुर्बेकार आदमी को, बासलायत जो आप तजुर्बा रखता है, आप उन्हीं उम्मीदवार को आप जिताएं। आप सिंपत्ति के नाम पर, किसी और के नाम पर, पार्टी के नाम पर अगर ना जाएं, कैंडिडेट के ऊपर, जैसे कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो महले के अच्छे सुख दर्द में जो रहता है और वहाँ पर पार्टियों का ज़्यादातर असर और रसूख कॉरपोरेशन इलेक्शन में नहीं होता, महले के जो जी असर हजरात होते हैं और वहाँ के जो अहम अशखास होते हैं वही लोग यहाँ पर कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर को इलेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके का मैं चाहता हूँ कि एमएलए इलेक्शन भी हो ताकि आने वाली जो नई नस्ल है उसको भी सियासत में आने का मौका मिले और एक जो बड़ी लंबी जो हमें लड़ाई जो लड़नी है बीजेपी के खिलाफ, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ, उसमें हमें कामयाबी मिले। कई सालों से आप पॉलिटिकल फील्ड में रह चुके हैं, कई सालों से आपने उतार चढ़ाव देखा है पॉलिटिकल इसमें, तो आपने भी कुछ सोचा है कि आगे जाके जो महानगर पालिका इलेक्शन होंगे या एमएलए इलेक्शन में आप किसका सपोर्ट करेंगे, कौन सी पार्टी को? आप देखिए, मैं तो वही अभी सभी लोगों से मशवरा कर रहा हूँ और बहुत ही संजीदगी से गौर व फिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का अगर हम जायज़ा लें तो रीजनल पार्टी ही ऐसी पार्टियाँ हैं जो बीजेपी को शिकस्त दे रही हैं। आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में वहाँ पर आपने ममता बनर्जी ने वहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी शिकस्त दी और हमें बड़ी खुशी है, और इसी की तरह से हमने बिहार में आपने देखा कि वहाँ पर भी जो काम होना था नहीं हुआ और हमारी छोटी जो गलतियाँ थी उसकी वजह से वहाँ पर, वहाँ की जो पार्टी है रीजनल पार्टी वहाँ पर आरजेडी आई, और उसी तरीके से दीगर जो स्टेट में है, अब तमिलनाडु में देखिए डीएमके वहाँ पर पार्टी आई। तो ऐसे तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक रीजनल पार्टीज बहुत ताकतवर बन करके उभर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का भी जो सेकुलर माइंडेड जहन रखने वाले जो लोग हैं, अच्छे खासे वोटर्स हैं जो संविधान पर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर जो यकीन रखते हैं, वो लोगों का माइंड थोड़ा अब चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अब रीजनल पार्टी ही अब शिकस्त दे सकते हैं, ये हमारा मानना है।